हरटी बड़िया यूट्यूब चैनल रे आपण मानंकु स्वागत। आजिर कहानीटी जमारु भी आपणंकु डराइबा बळे नुहे। एही कहानीटी रे गोटे माँ मरिगला परे मध्य तार आत्मा किबळे ता पुअकु मरिबा मुहरु बंचाउची सेही उपरे आपण माने मध्य आमकु इंस्टाग्राम रे एहिपरि स्टोरी शेयर करि पारिबे। चालंतु आजिर कहानीटुकु आरंभ करिबा। आत्मा एवं भूतमानंकर दुनिया बहुत रहस्यमय अटे। जो मानंकर से मानंक सहित साक्षात होईछि से माने ही विश्वास करंती जे एई दुनिया रे भूत प्रेत बोली केछि अछि। आउ जो मानंकर से मानंक सह साक्षात होइ नाही से माने भूत प्रेत को काल्पनिक भावंती जहाँ भी हेउ जाउ ना काहेकि। बेले बेले एहिभळी किछि घटना सामना को आसी थाए जहाँ दुनिया रे अशरीरी आत्मा बोली किछि अछि मानिबा को बाध्य करथाए। एही कहानीटी मध्य सेमिति किछि घटना उपरे आधारित। एही कहानीटी सुब्रत प्रधानकर जे कि बलांगीर रो गोटे छोटिया ग्राम रे रुहंती। किछि दिन परे सुब्रत तांको पत्नी गीता एवं तांकर आठ वर्षर पुओ सह भुवनेश्वर रे तांकर किछि बिजनेस काम पई सेठारे ही रहिबा को लागिले। भुवनेश्वर रे से माने बहुत भलरे थांती। पुणी किछि दिन परे तांकर स्त्री गीता बापा मां को देखा करिबा पई बलांगीर गांव को गले। बलांगीर रे हठात से हृदघात रोग रे पीड़ित हेले। तांकर अवस्था पूरापूरी गुरुतर होइगला। तांको बचाइबा पई डाक्टर माने बहुत प्रयास कले किंतु से माने शेषरे विफल हेले एवं गीतार मृत्यु होइगला। मरिबा पूर्वरु पुओ को भल मणिषटिए करिया पई सुब्रत को कहिथिले। एमिति आउ किछि दिन बितिला परे सुब्रतकर मध्य देह बहुत असुस्थ हेबाकु लागिला। देह अधिक खराब हेबारु तांको कटकर बड़ मेडिकल जीवा पई पड़िला। किछि दिन चिकित्सा परे डाक्टर माने कहिले रोग एते बड़ नुहे अति शीघ्र तुमर देह ठीक हो जीव। तापरे किछि दिन परे पूरापूरी सुस्थ हेबा परे पुणी भुवनेश्वर चली गले। से दिन राति रे सुब्रत सोइबा पई कबाट देले। तांको एमिति लागिला कि जेमिति कि से घरे किए आगरु अछंती। तापरे सुब्रत देखिले कि तांकर मरि जाइथिबा स्त्री गीता से खट उपरे बसिछंती। एहा देखि सुब्रत बहुत डरी जाइथिले एवं कंपिबाकु लागिले। बहुत जोर डरी जाइथिबारु तांक पाटीरु किछि भी शब्द पारु नथाय। किंतु गीतांकर आत्मा सुब्रतकर सामनाकु जाय कहिबा आरंभ करिदेले कि तुमे मोर अग्नि रीतिनीति भल भाबरे करिथिबारु मु संतुष्ट अछि। मु तुम सह कटक मेडिकल मध्य जाइथिली। एबे तुमर देह ठीक होइगला मते बहुत भल लागुछि। तांकर पत्नीकर पतिक प्रति भल पाइबा देखि सुब्रत किछि बुझि पार नथिले कि कौन कहिबी ना कहिबेनि। किछि न कहि सुब्रत सोइगले। सबुदिन तांकु एमिति लागे कि गीता जेमिति पाखापाखि अछन्ति। सेतेबेळकु तांकर पुओ प्रशांत भुवनेश्वर हॉस्टेलरे रही पाठ पढ़ुथिला। गोटे दिनर घटना राति प्राय बारटा उपरे होई जाइथाय। प्रशांत निकोर नेतरे सोइथिला। हठात शॉर्ट सर्किट जोगु से घरे निया लागि जाइथिला। ता सह रहुथिबा दुई जण पिला दौड़िकी बाहरकु पळाइले। किंतु प्रशांत सेतेबेळकु घरे सोइथाय ओ ताकु निया लागिबा विषयरे किसी भी जना न थाए। हठात ता नित भांगिबारु देखिला घरे निया लागि जाइछि एवं ताकु केही जणे घर बाहर को नेउछि। से जानिबाकु चाहिला कि किए नेउछि किंतु काहाकु भी देखि पारिला नाही। से केवल अनुभव करि पारु थाए कि जेमिति आकाशरे उड़ुछि। किंतु ताकु जणा नथिला कि ताकु उठाय कि नेकि जीवाबाला आउ किए नुहे बरम तार मरी जाइथिबा
ମାଆର ଆତ୍ମା ଥିଲା। ଶରୀରରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଘର ବାହାରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା। ଏହାପରେ ସବୁ କଥା ତା ବାପାଙ୍କୁ କହିଲା। ଘଟଣାର ରହସ୍ୟ ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଟିକେ ବୋଲି ଡେରି ହୋଇନଥିଲା। ତତେ ତୋ ମାଆ ଗୀତା ହିଁ ବଞ୍ଚାଇଛି, ଏ କଥା ସୁବ୍ରତ ପୁଅକୁ କହିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମରିଯାଇଥିବା ମାଆର ଆତ୍ମା ପୁଅକୁ ମରଣ ମୁହଁରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଏହିପରି ବହୁତ ଘଟଣା ବାପା ଓ ପୁଅଙ୍କ ସହ ଘଟିଲା। ବାସ୍, କାହାଣୀଟି ଏଇଠି ସୀମିତ। ଯଦି ବି କାହାଣୀଟି ଡରାଇବା ଭଳି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ସହ ସେୟାର କରିଦେବେ, କମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କିପରି ଲାଗିଲା ଜଣାଇବେ। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ ରାକେଶ ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଏକ ଭୟାନକ ଭୂତ କାହାଣୀ ସହିତ। ସେବେ ଯାଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।